हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे, डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अन्य कविता, जो दूसरी कविता है, यह जो है स्प्रिंग एंड फॉल है, जो लिखी गई है जीएम हॉपकिंस के द्वारा। तो आइए पहले बात करते हैं जीएम हॉपकिंस के बारे में। तो जीएम हॉपकिंस का जन्म 28 जुलाई 1844 ईस्वी को हुआ था, 18th of July 1844, और इनकी मृत्यु 8th of June 1889 को हुई। और इनका पूरा नाम था गेराल्ड मैनले हॉपकिंस। गेराल्ड मैनले हॉपकिंस इनका पूरा नाम था, और इनके जन्म के बारे में हमने देख ही लिया, तो ज्यादा कुछ लंबा इनका जीवन काल नहीं रहा था। इनका भी लगभग 45 इयर्स का एक जो है लाइफ स्पैन था। तो लेकिन इन कम वर्षों में ही इन्होंने जो है अच्छी खासी प्रसिद्धि पोएम्स के फील्ड में कमाई है, अपने फेम को अर्न किया है। और इनकी बहुत ही कविताएं ऐसी हैं, जैसे कि एक और कविता है पाइप ब्यूटी, वो भी काफ़ी फेमस रही है, और जो है इसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन आज फिलहाल हम पहले हॉपकिंस के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद हम लोग इस कविता के रेफरेंस में चर्चा करेंगे। तो गेराल्ड मैनले हॉपकिंस वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड प्रिस्ट। वो जो है एक प्रिस्ट भी रहे थे, पोएट तो थे ही, उसके अलावा एक प्रिस्ट रहे थे। प्रिस्ट कहते हैं पुजारी को, या जो क्रिश्चियन में जो पोप होते हैं, पादरी जो होते हैं, उन्हें हम प्रिस्ट कहते हैं। ऑफ विक्टोरियन इरा, विक्टोरियन इरा की बात करें तो विक्टोरियन इरा के ये पोएट के तौर पर जो है जाने जाते हैं, और ये प्रिस्ट भी रहे थे। His style was different from his contemporaries. उनके जितने भी contemporaries थे, उनके जितने भी उनके समय के writers थे, इनका शैली जो है उन सबों से अलग था। His best poems were not accepted for publication during his lifetime. और एक unfortunate ही कहेंगे कि जो है उनके जीवन काल में इवन उनकी जो सबसे बेहतरीन कविताएं थी, उन्हें accept नहीं किया गया publication के लिए। He was not appreciated for his poems lifelong. मतलब उनको जीते जी यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि वह जो है अपनी कविताओं को पब्लिश कर पाए, लोगों तक पहुंचा पाए। His achievement was not fully recognized until after World War First. यानी प्रथम विश्व युद्ध जब तक खत्म नहीं हुआ, कह सकते हैं 1918 के आसपास तक जो है उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, उनको पहचाना नहीं गया, उनको पहचान नहीं मिली, उनकी कविताओं की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। तो सिचुएशन समझ सकते हैं आप लोग कि यानी जीते जी इन्हें, हमने जैसा कि कहा, इन्हें वह सौभाग्य नहीं मिला। ही डिड नॉट गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले, टू कन्वे हिज थॉट्स, हिज पोएम्स टू द रीडर्स। लेकिन बाद में इनको अप्रिशिएट किया गया बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा, क्रिटिक्स के द्वारा। Although his family encouraged his artistic talents, वैसे तो इनके परिवार ने जो है इनके प्रतिभा को सपोर्ट किया, इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, लेकिन when he was a youth, तभी तक जब ये युवक थे। लेकिन स्वाभाविक है, जब देखते हैं आपके परिवार भी देखेंगे कि आपको सफलता नहीं मिल रही है, यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस, देन हाउ विल दे सपोर्ट, कैसे उन्हें जो उनका समर्थन आपको मिल पाएगा। ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज प्रोटेस्टेंट फैमिली टू रोमन कैथोलिक, और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। शायद आपको यदि ना पता हो तो मैं बता दूं कि क्रिश्चियन धर्म में भी दो तरह के होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो ये पहले प्रोटेस्टेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने कैथोलिक धर्म को अपना लिया। ही डिसाइडेड टू बिकम ए प्रिस्ट, और उसने जो है एक पादरी बनने का फैसला किया। ही बर्नड ऑल हिज पोएम्स एंड डिड नॉट राइट अगेन फॉर मेनी इयर्स। उन्होंने अपनी सारी कविताएं जो लिखी थी उन्हें जला दी, और जो है फिर लिखना ही छोड़ दिया इन्होंने, दोबारा कभी लिखा नहीं बहुत सालों तक। His work was not published until 30 years after his death. उनकी मौत के 30 साल बाद तक भी जो है उनकी कविताएं प्रकाशित, पब्लिश नहीं हो पाई। His friend Robert Bridges, और जो है finally the time came when his friend Robert Bridges edited the volume, उनकी सारी कविताओं को कंपाइल किया, कलेक्ट किया, एक एंथोलॉजी पोएम्स की नाम की एक एंथोलॉजी थी, जिनमें इनकी कविताओं को एक जगह दी गई, और जो है तब जाकर ये लोगों के सामने इनकी कविताएं आ पाई, लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया। तो ओवरऑल कहें तो इनका कह सकते हैं जीवन बहुत ही
दुखद रहा कह सकते हैं, स्वाभाविक है जब आप कुछ पैशनेटली कुछ करते हैं एंड यू डू नॉट गेट अप्रिशिएशन दैट अप्रिशिएशन देन यू ब्रेक इनवर्डली, आप अंदर से टूट जाते हैं, है ना ऐसा। तो हम ये बात थी जीएम हॉपकिंस के बारे में, लेकिन और जो बातें हैं हम लोग करेंगे कविता के बारे में। जीम हॉपकिंस वॉज इनिशियली मिसअंडरस्टूड एंड इग्नोर्ड, उन्हें जो है पहले इग्नोर किया गया और मिसअंडरस्टूड किया गया, गलत समझा गया, लाइक विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक की तरह इन्हें भी जो है पहले इग्नोर किया गया और मिसअंडरस्टूड किया गया। एंड हिज पोइट्री वॉज रिजेक्टेड एज समथिंग ऑड एंड ऑब्सक्योर, सब लोगों ने जो है उनकी पोइट्री को रिजेक्ट कर दिया और स्वीकृति दे दी, स्वीकार नहीं किया। ओनली ए tiny circle of friends knew him, although in many ways he was the most remarkable Victorian poet. हालांकि उन्हें बहुत तरीके से इग्नोर किया गया और बहुत कम ही लोग, शायद उसके दोस्त कुछ थे वे ही उन्हें जान पाए, और लेकिन जो भी हो बाद में उन्हें जो है एक ख्याति मिली, he was remarked, उन्हें हम जानते हैं आज major Victorian poets के नाम तौर पर जो है। एंड हिज स्मॉल बल्क ऑफ राइटिंग कंटेन्स सम ऑफ द ब्रिलियंट पोएम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और हालांकि लिखा तो उन्होंने बहुत कम, उनमें से ही बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो बहुत ही ज्यादा चर्चित हैं, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। हाउएवर हिज पोएम्स वर पब्लिश्ड एंड दे अर्न हिम रिकॉग्निशन एज ए पोएट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिट एंड ओरिजिनलिटी, हालांकि बाद में जो एक रिकॉग्निशन जो मिली, उन्हें पहचान जो मिली, एक उनको एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोएट के तौर पर उन्हें एक पहचान मिली और उनके अंदर कुछ न कुछ एक अलग देखा गया, एक अलग सी प्रतिभा उनके अंदर झलकी लोगों को। जीएम हॉपकिंस हैड द टोन एंड टेम्पर ऑफ विटमैन, वॉल्ट विटमैन के इसके अंदर जो कविता कविताओं में जो देखने को मिलता है, वॉल्ट विटमैन के टेम्पर और टोन देखने को मिलते हैं। हिज इमेजिनरी इज एज ए प्रिस्ट एंड अनकन्वेंशनल एज हिज विक्टिम, तो उनकी जो कल्पना है एक पृष्ठ के तौर पर, एक पादरी के तौर पर बहुत ही अच्छी है और अनकन्वेंशनल है, कुछ अलग है एज हिज विक्टिम, ऐसा मानो जैसे कि वह कोई दोषी हो, कोई अपराधी हो। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज पोएट्री इज हिज रिदम और लय, रिदम जो है उनकी कविता की जो है बेस्ट फीचर्स हैं, which is popularly known as spring rhythm, जो कि उन्हें जो है spring rhythm के नाम से जाना जाता है। Here is the definite number of accelerated syllables, his poetry is the kind of a naked show, और उनकी कविता जो है कुछ अलग है इनकी कविता में। Spring and fall is a deceptively simple looking poem, दिखने में काफी simple सा poem है, in fact it is a serious poem dealing with a profound idea about the form of man, या इंसान के रूप को जो है उजागर करती है, इंसान के अलग अलग चेहरों को उजागर करती है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो मिस्ट्री है, द मिस्ट्री विच दिस पोएम कंटेंस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना काफी मुश्किल है। द पोएम बिगिंस विद टू क्वेश्चंस, कविता की शुरुआत जो है दो प्रश्न से होती है, पोएट वॉन्ट टू नो, जो कि जानना चाहते हैं कवि। The young girl Margaret, Margaret एक छोटी सी लड़की है, who stands among the three watching leaves falling from the tree, तीन पत्तियों जो है वह देख रही है, वह लड़की young girl Margaret जो है वह पत्तियों को गिरते हुए पेड़ से देख रही है। The poet asks the child, बच्चे से पूछते हैं कवि, if she is sorry to see the leaves falling from tree, वो पत्ते जो गिर रहे हैं पेड़ से, क्या आप उस देखकर उस चीज को दुख हो रहा है क्या आपके अंदर, आप आखिर देख क्यों रहे इतने गौर से, व्हाई आर यू नोटिसिंग दैट, टेकिंग नोटिस वेरी सीरियसली। आगे जो है थ्रू द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जो दूसरा प्रश्न जो उनका है, ही वांट्स टू नो, वे जानना चाहते हैं, वेदर सी केयर्स फॉल फ्रॉम द ट्री, क्या उससे फर्क पड़ता है वह पत्ते जो, वे पत्ते जो पेड़ से गिर रहे हैं, क्या उससे इन्हें फर्क पड़ता है, उस बच्चे को फर्क पड़ता है। हर शॉक ऑफ सोरो फ्रॉम हर फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ द ट्रांजिटरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ विथ हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, और जो है वो अपने जीवन के अनुभव से बताती है। एक्चुअली दोनों एस्पेक्ट्स को कवि ही खुद शो करते हैं, और इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू कवि कहते हैं कि इन पत्तियों को गिरते हुए देखकर जवाब मिलता है, इन पत्तियों को देखकर मुझे जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास हो रहा है, यानी जीवन क्षणभंगुर है, ट्रांजिटरीनेस का एहसास होता है, क्षणभंगुरता का एहसास होता है।
ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो कि मानव जीवन जिससे जूझ रहा है, विथ हिज एक्सपीरियंसिस ऑफ लाइफ. द पोएट ट्राइज टू कंट्रोल एंड ट्राई टू कन्विंस हर, उन्हें मनाने का भी प्रयास करते हैं, दैट ह्यूमन बीइंग इज डिके ऑफ डेथ, या एक तरह से इंसान को जो है एक ना एक दिन मौत के गले में लगना ही है. दस द कूल एक्सेप्टेंस ऑफ द इनएविटेबल, मतलब बेहतर है कि हम इसे स्वीकार कर लें क्योंकि ये बदलने वाला है नहीं, इनएविटेबल है. द पोएट फॉरएवर फील्स दैट ऑन ग्रोइंग अप सी विल नॉट हैव द सेम इंटेंस फीलिंग, और अभी तो है लेकिन वे कहते हैं कि आगे चलकर तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा कि जो है तुम भी भूल जाओगे इन सब चीजों को और अपने जीवन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगोगे. आगे जो है, बट इवन देन सी विल वीप ओवर हर ओन ट्रेजिक फॉल, और जो है तब वह उन पत्तियों को गिरते हुए देखकर नहीं रोएगी बल्कि अपने जीवन के पतन को देखकर रोएगी. अपने जब वो व्हेन सी विल लुक बैक सी विल क्राई सी विल सॉब सी विल मून, वह चिल्लाएगी चीखेगी रोएगी. अकॉर्डिंग टू रोमन कैथोलिक डॉक्ट्री ह्यूमन रेस इज ब्लाइटेड मिसफॉर्चून, यानी इंसान का जीवन ही जो है एक दुर्भाग्य है, मिसफॉर्चून है, बाय द फॉल ऑफ मैन फ्रॉम विच ऑल सॉरो इमर्जेज, यानी इंसान के रूप में जन्म लेना ही यह तय कर देता है कि हम हमारा जन्म ही हुआ है दुख सहने के लिए, पीड़ा को सहने के लिए, तकलीफों को सहने के लिए. Those who do not accept this doctrine, जो इन सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, will weep over the transitoriness, वो जो है क्षणभंगुरता के ऊपर रोएंगे, of human life, मानव जीवन की क्षणभंगुरता के ऊपर. The falling of leaves is a metaphor, वहां पर जो है कवि ने जो falling गिरते हुए पत्ती को जो दिखाया है, falling leaves को जो दिखाया है, वह एक metaphor है जिससे compare किया गया है human life को. He wants to say that our life is falling and we cannot take notice of that, hum us par dhyan nahi de pa rahe. The human existence is a kind of curse, aur insaan ka astitva mein hona hi ek saap hai. Hum saap se hi hamara shuruaat jo hai, biblical theory par jaye to aapko pata hoga ki Adam and Eve, jinhe ki curse diya gaya tha god ke dwara ki jo hai aapne galti ki, hamari baaton ko disobey kiya, is karan se jo hai manav jivan ki shuruaat hui thi according to biblical theories. तो आगे यदि बात करें तो जो है, इन दिस पोएम लीफ रिप्रेजेंट फिजिकल एज वेल एज मटेरियल बिलोंगिंग्स दैट आर लाइकली टू पेरिश इन पास्ट ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ साथ जो है मटेरियल्स जो है, जो हमारा जीवन है, जो हमारी उम्र है, जो हमारा शरीर है, यानी जितने भी फिजिकल चीजें हैं वो डिके कर जाएंगी, वो नष्ट हो जाएंगी. हुएर एज स्प्रिंग एंड फॉल रिस्पेक्टिवली फॉर द राइज एंड फॉल ऑफ ह्यूमन फैशन, तो जो है और इंसान के जीवन में जो उतार चढ़ाव आता है, स्प्रिंग एंड फॉल नाम भी दिया गया है इस कविता का. मैर्गरेट इज नाउ टू यंग इन एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड ऑल द मिस्टीरियस एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड, वह इतनी छोटी है इन सब चीजों रहस्यमय चीजों को वह इतनी कम उम्र में समझ नहीं सकती है, इस दुनिया के रहस्यमय चीजों को. बट दिस सॉरो रिजल्टिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ लीव्स ऑल्सो स्टैंड्स फॉर द लॉसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द फॉर्म ऑफ डेथ, मतलब वह जो पत्ते जो गिर रहे हैं पेड़ से, उनसे यह जो है एक तुलना किया गया है कि वह बच्ची तो है, वो समझ नहीं पा रही है, लेकिन कवि इस बात को समझ रहे हैं कि आज तुम भले ही पत्ते को देखकर कुछ तुम फील कर रही हो, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा कि तुम अपने ही जीवन को गिरते हुए देखकर, नीचे पतन होते हुए देखकर जो है तुम्हें पश्चाताप होगा, तुम्हें दुख होगा. दस लाइफ इज ए सी ऑफ सॉरो, जो हमारा जीवन जो है एक दुख का सागर है कि नहीं. ड्रॉइंग टीयर्स फ्रॉम ह्यूमन आई, जो कि सिर्फ सॉरो का काम होता है, हमारे आंखों से आंसू को बहाना, यानी हमें तकलीफें ही मिलने वाली है हमारे जीवन में. फर्स्ट रिजल्टिंग फ्रॉम माइनर लूजेस एंड देन फ्रॉम द अल्टीमेट डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ हम खोते रहते हैं और अंत समय एक समय ऐसा आता है जब हमें सब कुछ खोना पड़ता है, सब कुछ का त्याग करना होता है और हमें मौत को गले लगाना पड़ता है. दिस इज द सोरोफुल रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यही जो है तकलीफ देह दर्दनाक जो है अंत है इंसान के, मानव के जीवन का. एज ए होल दैट
द ग्रेट पोएट हॉपकिंस प्रेजेंट्स, यानी पूरे कविता में कवि ने जो कहना चाहा है उसको यदि सम अप किया जाए थ्रू नैरेटिंग द फॉल ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू द बिब्लिकल थ्योरी, दिस प्रेजेंट पोएम बियर्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हॉपकिंस पोएट्री, यानी इसमें हॉपकिंस की कविता की सारी खासियत सारी खूबियां देखने को मिलती है इंक्लूडिंग सीरियस पोएम, और चूंकि एक सीरियस पोएम है तो स्वाभाविक है इसमें सीरियसनेस काफी ज्यादा है, डीप फिलोसफी, इसके जो मीनिंग है फिलोसफिकल काफी ज्यादा डीप है, फ्रेश इमेजिनरी, कल्पना काफी स्पष्ट है, जो भी चीजें कही गई है वो काफी स्पष्ट है, एंड स्प्रंग रिदम, और स्वाभाविक है रिदम में के लिए वो जाने जाते हैं, तो स्प्रंग रिदम में से लिखा गया है, तो बेहतरीन कविताओं में से एक है, मे बी यू एंजॉयड, यू अंडरस्टूड, यू गॉट दैट व्हाट आई वांटेड टू से, सो इफ यू गेट सम हेल्प देन प्लीज सपोर्ट अस, यू नो हाउ यू कैन सपोर्ट, सो प्लीज स्टैंड बाय अस, हमारा समर्थन करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इट इज एन इंस्पायरेशन फॉर अस, ये हमारे लिए एक जो है प्रेरणा की तरह होता है, हम ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाते रहेंगे और लाते रहते हैं, हर दिन हमारी कोशिश यही होती है, हम अपने प्रयासों से आपकी आपके काम को अपने आपके परेशानियों को आपकी समस्याओं को आसान कर पाएं, और लिटरेचर लैंग्वेज ग्रामर से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे साथ, धन्यवाद।